सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेंटर पॉइंट गेमर पर। तो गाइस, आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्री फायर के साउंड डिले प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। जैसा कि आप में से काफ़ी सारे बंदे ऐसे हैं जो फ्री फायर को ब्लूटूथ ईयरफोन एंड ब्लूटूथ हेडफोन में खेलते होंगे, जिसमें गाइस हमारे साथ साउंड डिले का प्रॉब्लम होता है। मतलब कि हम दौड़ते पहले हैं लेकिन जो दौड़ने का साउंड रहता है वो हमको लेट में सुनाई देता है। हम फायर पहले करते हैं लेकिन फायर का जो साउंड है वो हमको लेट में सुनाई देता है। मतलब अलग अलग टाइप के फ्री फायर है, बहुत ही अलग अलग टाइप के साउंड डिले प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ सकता है। तो अगर आप भी फ्री फायर को ब्लूटूथ ईयरफोन या ब्लूटूथ हेडफोन में खेलते हैं एंड आपके साथ भी फ्री फायर में साउंड डिले का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। मैं 100% बोल सकता हूँ कि इसकी सभी बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। और इस अगर आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपको और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देता रहूं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। सो अभी गाइस हम वीडियो में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि फ्री फायर में साउंड डिले प्रॉब्लम क्यों होता है। मतलब कि हम फ्री फायर खेलते टाइम ब्लूटूथ ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ हेडफोन को यूज़ करते हैं, तो उसमें हमको साउंड लेट सुनाई क्यों देता है, उसके बाद आपको मैं इसके सॉल्यूशन बताऊंगा। तो देखिए, ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हम फ्री फायर खेलते रहते हैं उतने टाइम हम केबल का यूज़ नहीं करते। मतलब कि हमारा जो कनेक्शन रहता है साउंड को पहुँचाने का, वो जो है कि इस ब्लूटूथ के थ्रू होता है, मतलब कि ब्लूटूथ के माध्यम से होता है, और उसमें जो है वो वायर नहीं लग रहा था, तो इसका जो कनेक्शन होता है वो उतना अच्छा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू केबल। तो उसमें गाइस क्या होता है कि उसमें जो आवाज़ रहता है उसको पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, लगभग मिली सेकेंड या फिर एक सेकंड, किसी किसी में 1.5 से 2 सेकंड भी होता है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब ये कनेक्शन ब्लूटूथ वाला ही रहता है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है। मतलब कि आप चाहे जितने महंगे ईयरफोन या हेडफोन यूज़ कर लो, अगर वो ब्लूटूथ वाला है, मतलब कि ब्लूटूथ में कनेक्ट करके आप फ्री फायर खेल रहे हो, तो उसमें साउंड डिले का प्रॉब्लम तो होना ही है। लेकिन इसके कुछ सॉल्यूशन भी है जिससे प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर सकते हो। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है, ये किस वजह से होता है। और इस अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो यार, तो क्या कर रहे हो, वीडियो को प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि गाइस आपको और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अभी गाइस हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो आपको जो सॉल्यूशन बताने वाला हूं, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, इससे 100% फ्री फायर का साउंड डिले प्रॉब्लम या फिर आप साउंड लेट प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने गलती से ले लिया है ईयरफोन या हेडफोन, अगर आप परचेस करने वाले हो ब्लूटूथ ईयरफोन, तो गाइस मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ब्लूटूथ ईयरफोन यूज करो, आप केबल वाला ही यूज करो। अगर आपने ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इस सॉल्यूशन से आप उसको 100% फिक्स कर सकते हो। तो अभी गाइस आपको मैं जो सॉल्यूशन बताने वाला हूं वो बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, इसको हर बंदा एकदम इजीली तरीके से फॉलो कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है BT Mono। जैसा कि आपको यहां पर प्ले स्टोर में ओपन कर रहा हूं एंड यहां पर एप्लीकेशन आप यहां पर देख ही सकते हो, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। तो अभी हम प्ले स्टोर ओपन करते हैं, यहां पर आपको टाइप करना है BT Mono, ऐसा कुछ एप्लीकेशन आ जाएगा, आपको सिंपल से इसको डाउनलोड कर लेना है। अभी मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, आपको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है, फिर आपको ओपन करना है। फिर यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है, इसको हर बंदे एकदम इजीली तरीके से यूज कर सकते हो। तो देखिए क्या करना है, सिंपल से इसको ओपन करना है, जो भी परमिशन दे रहा है उसको परमिशन दे देना है। एंड गाइस यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा ऑन एंड ऑफ का। अब देखिए ये सब जानते हैं इस एप्लीकेशन से एक्चुअल में होता क्या है, इसका काम क्या रहता है। तो देखिए होता क्या है, आपके फोन में एक सेटिंग रहता है जिसको बोलते हैं मोनो ऑडियो, उस सेटिंग को यूज करके फ्री फायर के साउंड डिले प्रॉब्लम को एकदम 100% सॉल्व कर देता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत रहती है, जो दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन ये इतना बड़ा भी दिक्कत नहीं है। इसमें होता क्या है कि जैसे आप इस सेटिंग को यूज करोगे तो उसमें क्या होता है, मोनो ऑडियो वगैरह ऑन हो जाता है, कुछ कुछ सेटिंग ऑन होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो फ्री फायर का लेफ्ट और राइट वाला साउंड रहता है ना, मतलब कि बंदा अगर लेफ्ट साइड से आ रहा है तो हमको लेफ्ट वाले ईयरफोन या हेडफोन में हमको सुनाई देता है, अगर राइट से आ रहा है तो राइट में सुनाई देता है, तो वो जो है वो नहीं होता, मतलब वैसे में सुनाई नहीं देता। मतलब कि फ्री फायर का जो स्टीरियो का साउंड रहता है उसको बंद कर देता है, जिसके वजह से अगर कोई बंदा लेफ्ट से आ रहा है तो हमको दोनों साइड सुनाई देगा और राइट से आ रहा है तब भी दोनों साइड सुनाई देगा। तो इसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये उतनी बड़ी भी दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो फ्री फायर को ऐसे में भी खेल सकते हो, इसमें उतना बड़ा भी दिक्कत नहीं होता। लेकिन हाँ, बस वही है कि लेफ्ट से आ रहा है तो लेफ्ट वाले ईयरफोन में सुनाई नहीं देगा, आपको दोनों ईयरफोन में सुनाई देगा, अगर राइट से आ रहा है तो राइट में, मतलब दोनों साइड सुनाई देगा। ऐसा इस एप्लीकेशन का सेटिंग है। लेकिन आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हो, मतलब इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो उस एप्लीकेशन के थ्रू। आपको क्या करना है, सिंपल इसको ऑन करना है, उसके बाद आपको इसको मिनिमाइज में रखना है एंड अपना ईयरफोन या ब्लूटूथ को कनेक्ट करना है, फिर आपको खेलना है सिंपल से फ्री फायर। उसके बाद आप चेक करके देखना फ्री फायर में साउंड डिले का प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है।
अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल से उसको ऑफ कर देना है। किसी किसी फ़ोन में क्या होता है कि ऑफ करने के बाद ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, एंड जो स्टीरियो साउंड रहता है वो भी मतलब एकदम अच्छे से आने लगता है। मतलब लेफ्ट से आ रहा है तो लेफ्ट से भी साउंड आने लगेगा, अगर राइट वाला साउंड आ रहा है तो राइट वाले ईयरफोन में सुनाई देगा, तो इसमें स्टीरियो का साउंड भी आने लगता है अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो। लेकिन किसी किसी फोन में ऑफ करने के बाद ये पूरा ही बंद हो जाता है, जिससे फिर से साउंड डिले का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसको ऑन ऑफ करके देख लेना। ऑन करने के बाद फ्री फायर में साउंड डिले का प्रॉब्लम तो 100% सॉल्व हो जाएगा, और यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आप फ्री फायर के साउंड डिले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, चाहे ब्लूटूथ ईयरफोन हो चाहे ब्लूटूथ हेडफोन हो। तो अगर किसी आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।